हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। आज हम लोग क्लास 8th का एक्सपेंशन फॉर्मूला करने जा रहे हैं, जो कि सब चैप्टर नंबर 5 है। उसमें से हम लोग 5.3 करने वाले हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग चालू करते हैं 5.3। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग ने जो कल ये एक्सरसाइज 5 का प्रैक्टिस सेट 5.2 जो किया था, उसमें से ये थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें यहाँ पे जो 5.12 है उसके आगे y का क्यूब लगेगा, इसको आप लोग भी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 5.3 में हम लोग देखते हैं, कल हम लोग ने फॉर्मूला लिखा था। कल का फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब, ये था। तो अब हम लोग को यहाँ पे अभी हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? माइनस वाला लगाना। तो सबका सब चीज़ सेम है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ तीन जगह पे माइनस साइन चेंज होगा। जैसे a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने इसके पहले वाले 5.2 में किया था, सेम वही प्रोसीजर इसका भी है। 2m-5, सिर्फ और प्लस और माइनस का थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। यहाँ पे देखो, ए के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 2m रखेंगे, और बी के जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। ए के जगह पे रखो 2m का क्यूब माइनस 3 × 2m² × 5 प्लस 3 × 2m × 5 माइनस 5 का क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसी को सॉल्व कर दो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 m का क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 m का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 = 50, 53 = 150 m माइनस 5 का क्यूब कितना आएगा? 25 × 125, ये हो गया हमारा सम। समझा इतना? अब सेकंड करते हैं। हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया है, अब सीधे इसको पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 − p का क्यूब, तो देखो a के जगह पे क्या रखना है? 4 पुट करना है, और b के जगह पे p। तो a के जगह पे क्या पुट करोगे? 4 का क्यूब माइनस 3 × 4² × p प्लस 3 × 4 × p का स्क्वायर माइनस p का क्यूब। तो ये क्या बनेगा? 4 का क्यूब कितना होता है? 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 माइनस 4² = 16, 16 × 3 = 48 p प्लस 4³ = 12, 12 p का स्क्वायर माइनस p का क्यूब, ये भी हो गया। अब हम लोग थर्ड कर लेते हैं।
थर्ड में भी देखो सेवन एक्स माइनस नाइन वाई का हमको क्यूब निकालना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेवन एक्स का क्यूब माइनस थ्री इंटू इंटू सेवन एक्स का स्क्वायर इंटू नाइन वाई प्लस थ्री इंटू एक ए है ना, थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री इंटू सेवन एक्स इंटू नाइन वाई का स्क्वायर माइनस नाइन वाई का क्यूब। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो सेवन का क्यूब, तो सेवन का क्यूब क्या होता है, सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन हो गया, फोर्टी नाइन में सेवन का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, थ्री फोर्टी थ्री एक्स का क्यूब, ये याद होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखो सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन हो गया, फोर्टी नाइन इंटू ये वाला थ्री, फोर्टी नाइन इंटू थ्री कितना होगा, फोर्टी नाइन इंटू थ्री वन फोर्टी सेवन, वन फोर्टी सेवन इंटू नाइन, वन फोर्टी सेवन इंटू नाइन कितना आ जाएगा, वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस। अब यहाँ पे उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, थ्री इंटू सेवन एक्स इंटू नाइन का स्क्वायर, तो नाइन का स्क्वायर कितना होता है, एटी वन ना, नाइन का स्क्वायर एटी वन, एटी वन सेवन जा फाइव सिक्सटी सेवन, फाइव सिक्सटी सेवन में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव सिक्सटी सेवन है तो ये हो जाएगा सेवनटीन ज़ीरो वन एक्स वाई का स्क्वायर माइनस, अब नाइन का क्यूब कितना होता है, नाइन का क्यूब कितना होता है, नाइन का क्यूब होता है सेवन ट्वेंटी नाइन वाई का क्यूब, ये रहा आंसर, समझा इतना। अब नेक्स्ट करते हैं, तो देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिक्स माइनस टू का क्यूब, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है, ए का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, वही हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, सिक्स माइनस सिक्सटी माइनस टू का क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा, ए के जगह पे सिक्स पुट करना है, सिक्सटी पुट करना है और बी के जगह पे टू पुट करना है, तो ए के जगह पे सिक्सटी हो गया, उसके बाद हो गया थ्री इंटू सिक्सटी का स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री इंटू सिक्सटी इंटू टू का स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, टू का स्क्वायर प्लस टू का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिक्सटी का कितना हो जाता है, टू वन सिक्स ट्रिपल ज़ीरो माइनस, अब सिक्सटी का स्क्वायर कितना होगा, सिक्सटी इंटू सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इंटू थ्री करोगे तो टेन थाउजेंड एट हंड्रेड, उसके बाद इसमें टू का मल्टीप्लाई करोगे तब हो जाएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड, ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, टू का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, फोर इंटू थर्टी करोगे या सॉरी फोर इंटू सिक्सटी करोगे तो आ जाएगा टू फोर्टी, या तो सिक्सटी इंटू फोर टू फोर्टी, टू फोर्टी में थ्री का मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा सेवन ट्वेंटी प्लस, नहीं ये माइनस वाला है ना, तो माइनस में यहाँ यहाँ पे भी माइनस रहेगा और
यहाँ पे भी माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा तो ये क्या इतना हो जाएगा एट हो जाएगा। अब 720 आया, 720 माइनस एट आ जाएगा। अब इसको 216,000 में 216,000 में 21,600 माइनस करने के बाद में जितना आएगा उसमें 720 प्लस करना है, फिर 720 प्लस करने के बाद में जितना आएगा उसमें से 8 को माइनस करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 195112, ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 200 माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 200 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो ये 2 का क्यूब 2 इसका कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 5 हो गया 6, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, इसका होगा 8 और 6 टाइम 0 माइनस, तो ये जगह 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12, 12 टू जा 24 और 4 टाइम 0 प्लस, यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24 माइनस 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर आएगा 77,62,392। इसको लिख लो 2p माइनस 1 अपॉन 2p का क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 2p का क्यूब माइनस 3 इंटू 2p का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1 अपॉन 2p का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p का क्यूब, तो हो जाएगा 2p का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो गया 8p का, 8p का क्यूब माइनस, अब इसको एक्सपांड कर देते हैं 3 इंटू 2p इंटू 2p, देखो ये वाले 2p स्क्वायर को मैं 2p इंटू 2p लिख सकता हूँ इंटू 1 अपॉन 2p प्लस 3 इंटू 2p इंटू 1 अपॉन 2p इंटू 1 अपॉन 2p लिख सकता हूँ ना माइनस, और इसका क्या बन जाएगा, इसका 1 का क्यूब 1 और ये बन जाएगा 8p का क्यूब, तो ये 2p से ये 2p कैंसिल हो गया, ये 2p से ये 2p कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 8p का क्यूब माइनस 3 टू जा 6p, क्या बचेगा 6p और नीचे तो कुछ है ही नहीं है प्लस 3, ये यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर 3 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2p माइनस 1 अपॉन 8p का
क्यू, ठीक है, वन माइनस वन अपॉन ए का क्यूब निकालना है, तो ये क्या बनेगा, वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए, ठीक है, प्लस थ्री इंटू वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए का क्यूब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, वन का क्यूब वन माइनस थ्री वन जा थ्री, थ्री अपॉन ए प्लस, यहाँ पे भी देखो थ्री वन जा थ्री, थ्री और ये वाला वन का वन ही आता, तो थ्री वन जा थ्री थ्री और यहाँ पे ए का पूरा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक, वन का क्यूब वन और ए का क्यूब ए का क्यूब। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स बाय थ्री माइनस थ्री बाय एक्स का क्यूब, ए की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स बाय थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स बाय थ्री का स्क्वायर इंटू थ्री बाय एक्स प्लस थ्री इंटू एक जगह पे एक्स बाय थ्री इंटू थ्री बाय एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री बाय एक्स का क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब अपॉन थ्री का क्यूब कितना होता है 27 माइनस, अब इसको एक्सपांड के फॉर्म में लिख लेते हैं, थ्री इंटू एक्स बाय थ्री इंटू एक्स बाय थ्री इंटू थ्री बाय एक्स, देखो ये वाला जो था, ये वाला था, इसको ये दो में लिखा है। उसके बाद में प्लस ये वाला थ्री इंटू एक्स बाय थ्री इंटू थ्री बाय एक्स इंटू थ्री बाय एक्स माइनस ये थ्री का क्यूब हो जाएगा 27 अपॉन एक्स का क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये वाले एक्स से तो यहाँ पे ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, ये वाले थ्री से ये वाला थ्री कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी देखोगे ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, ये वाले थ्री से ये वाला थ्री कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, बचेगा एक्स का क्यूब अपॉन 27 माइनस, अब ऊपर क्या क्या है, थ्री इंटू एक्स मीन्स थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस थ्री थ्री जा नाइन अपॉन एक्स माइनस 27 अपॉन एक्स का क्यूब। अब तो समझ में आ गया होगा, देखो प्लस वाले का फॉर्मूला तो याद है ना, तो इसके जगह पे ए, ए के जगह पे ए रखेंगे, बी के जगह पे ए रखेंगे, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हम देखो इसको एक बड़े ब्रैकेट में करो, फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब, तो ए का क्यूब में क्या बनेगा, टू ए का क्यूब, ए का क्या है फॉर्मूला, ए का क्यूब प्लस थ्री ए इस प्लस थ्री इंटू टू ए का स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस थ्री इंटू टू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, इसी तरीके से बना था ना, देखो ए के जगह पे मैंने टू ए रखा, ठीक है, यहाँ पे ए है,
फॉर्मूला क्या था, a का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अब ये वाला साइन जो है, ये वाले साइन पे मैं ये वाला साइन लगा देता हूँ यहाँ पे माइनस, और जो ये सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड ब्रैकेट वाला पे यहाँ पे ध्यान देना, इसमें माइनस रहता है तो इसका क्या बनेगा, टू ए का क्यूब माइनस थ्री इंटू टू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू टू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा बी का क्यूब ना। तो अब इसको हम लोग अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा ध्यान देना, तो टू का क्यूब, टू का क्यूब कितना आता है एट ए का क्यूब प्लस, अब इसको सॉल्व करो, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व ए स्क्वायर बी, ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस इसका देखो थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, यहाँ पे माइनस वैसे रहेगा। अब ये क्या जाएगा टू ए का क्यूब, अब ये टू ए का क्यूब का क्या होता है एट ए का क्यूब बनेगा माइनस, ये कितना बनेगा टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व ए स्क्वायर बी बनेगा, ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स, क्या बनेगा सिक्स ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, समझ में आया। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट है ना, हम लोग अब क्या करते हैं ये ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो जो ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या बनेगा, देखो स्टार्टिंग का सेम रहेगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो सेम रहेगा, उसके बाद में जो सेकंड ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट का ही चेंज होता है। अब देखो ये सेकेंड ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया जो प्लस में दिया है वो माइनस, तो एट के आगे क्या दिया है, एट के आगे प्लस है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एट ए का क्यूब, फिर ट्वेल्व माइनस है तो प्लस में, प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी माइनस है, प्लस है तो माइनस, सिक्स ए बी स्क्वायर माइनस है तो प्लस बी का क्यूब। अब एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, एक प्लस ये कटा, उसके बाद में ये वाला इससे कैंसिल हो गया, अब बचेगा क्या, बचेगा ट्वेल्व ए स्क्वायर बी और ट्वेल्व ए स्क्वायर बी, इसका मतलब क्या कितना हो गया ट्वेंटी फोर ए स्क्वायर बी और प्लस बी थ्री और प्लस बी थ्री, तो कितना हो जाएगा टू बी थ्री। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा, थ्री आर का क्यूब ना, थ्री आर का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री आर का स्क्वायर इंटू टू के प्लस थ्री इंटू थ्री आर इंटू टू के का स्क्वायर माइनस टू के का क्यूब, ये पहले ब्रैकेट में बनेगा, सेकंड ब्रैकेट में बनेगा थ्री आर का क्यूब प्लस थ्री इंटू थ्री आर का स्क्वायर इंटू टू के प्लस थ्री इंटू थ्री आर इंटू टू के का स्क्वायर
प्लस टू के का क्यूब, यहाँ पे आएगा थ्री टू जा थ्री थ्री, थ्री का क्यूब कितना होता है 27, 27 आर का क्यूब माइनस थ्री 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 जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, 27 टू जा 54 आर स्क्वायर के प्लस प्लस टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा 36 आर के का स्क्वायर माइनस 8 के का क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे कितना आएगा 27 आर स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, 27 फाइव जा टू जा 54 आर स्क्वायर के, यहाँ पे आर का क्यूब आएगा प्लस 36 आर के स्क्वायर माइनस प्लस 8 के का क्यूब। अब ब्रैकेट ओपन करो सबका, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा 27 आर का क्यूब माइनस 54 आर स्क्वायर के प्लस 36 आर के स्क्वायर माइनस 8 के का क्यूब प्लस 27 आर का क्यूब प्लस 54 आर स्क्वायर के प्लस 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के का क्यूब। अब प्लस माइनस कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, 27 54 आर का क्यूब प्लस 36 72 आर के का स्क्वायर, ये भी वैसे ही है। ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3 प्लस, अब क्या है 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 4a इंटू b का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, ये पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या आएगा 4a का क्यूब प्लस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। तो अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है 64 ए का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 थ्रीजा 48, 48 थ्रीजा 48, 96, 96 और 48, 144 a का स्क्वायर प्लस 3 3 9, 9 3 जा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27,
अब इसका लिख लेते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 4 10, 8 ए माइनस 3 3 9 3 27। अब यहाँ पे ये माइनस में आया, माइनस में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 ए का क्यूब प्लस ये 4 4 16, 16 3 48, 48 3 144 ए स्क्वायर प्लस इसका आएगा 108 ए, इसका आएगा प्लस 27। अब ब्रैकेट इसको ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करो, ये जाएगा 64 ए का क्यूब माइनस 144 ए का स्क्वायर प्लस 108 ए माइनस 27 माइनस 64 ए का क्यूब माइनस, देखो जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 144 ए का स्क्वायर माइनस 108 ए माइनस 27। तो यहाँ पे 108 ये कैंसिल होगा, एक प्लस एक माइनस है, और कौन सा एक प्लस एक माइनस है, ये है। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे देखो 144 और यहाँ पे भी 144, मतलब माइनस 288 ए स्क्वायर माइनस 27 54। ए का क्यूब माइनस 3 × ए का स्क्वायर इंटू बी, माइनस 3 × ए इंटू बी का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस 7y का क्यूब, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट का यहाँ पे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 5x का क्यूब प्लस 3 × ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 × ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, इसी तरीके से रहेगा ना। तो अब यहाँ पे 5 का क्यूब कितना होता है 125x का क्यूब माइनस, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 × 7, 25 × 7 = 175 × 3, इसका क्या आएगा 525x² y प्लस, उसके बाद में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49 5 49 5 245 245 × 3 7 35 x y का स्क्वायर माइनस, अब 7 का क्यूब कितना होता है 7 का क्यूब होता है 343 y का क्यूब, ठीक है। ये तो आ गया पहले ब्रैकेट का, अब सेकंड ब्रैकेट का कर लो, सेकंड ब्रैकेट का भी 5 का कितना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125x का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर 25 ×
सेवन इंटू थ्री कितना आएगा, फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन इंटू फाइव इंटू थ्री सेवन थर्टी फाइव एक्स वाई का स्क्वायर प्लस सेवन का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री वाई का क्यूब। अब ब्रैकेट इसका ओपन कर लेते हैं सबका, तो ये क्या बनेगा, वन ट्वेंटी फाइव एक्स का क्यूब माइनस फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस सेवन थर्टी फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री फोर्टी थ्री वाई का क्यूब। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस में साइन चेंज नहीं होता, तो ये वैसे का वैसे आएगा, वन ट्वेंटी फाइव एक्स का क्यूब प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस प्लस सेवन थर्टी फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री फोर थ्री वाई का क्यूब। तो एक प्लस एक माइनस इधर से कैंसिल हुआ और एक प्लस एक माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, वन ट्वेंटी फाइव एक्स थ्री, वन ट्वेंटी फाइव एक्स थ्री तो हो जाएगा टू फिफ्टी एक्स थ्री। उसके बाद में सेवन थर्टी फाइव, सेवन थर्टी फाइव सेवन सेवन फोर्टीन सेवेंटी एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ तक समझा।